आप देख रहे हैं स्मार्ट बिल्डर्स यूट्यूब चैनल ऑफिसियल पेज। एक मास्टर बेडरूम के अंदर या स्टैंडर्ड बेडरूम के अंदर बिजली के, इलेक्ट्रिकल के, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो देना लाजिम है? बाकी ऑप्शनल होते हैं, आप एक्स्ट्रा छोड़ते नहीं छोड़ते। सबसे पहले हमेशा जब भी आप बेडरूम बना रहे होते हैं तो उसके प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग में वॉशरूम आपका आता है, तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स देने से पहले आपके लेआउट को देखना पड़ेगा। अक्सर हम प्रोजेक्ट्स विजिट करते हैं उसमें ये होता है कि बेड की वेन्यू ऐसी डिसाइड की गई है, चूंकि 10 मरला मॉडल घर है इसमें इतने फ्लॉस तो नहीं होते, बड़े या लोकल एरिया में बड़े कमरे होते हैं उस हिसाब से खिड़कियां ज़्यादा छोड़ी गई होती हैं, तो बेड की लोकेशन नहीं डिफाइन हो पाती किबले की वजह से। हमेशा किबले की डायरेक्शन चेक करें, कंपास के थ्रू मुझे इस वक्त ये वाली लोकेशन शो हो रही है किबले की, तो आपके पास ये बेड परफेक्ट आ रहा है। ये आपका फाइनलाइज हो गया स्टार्ट में, ग्रे स्ट्रक्चर बनाने से भी पहले कि आपका बेड यहाँ पे है। बेड के साथ साइड टेबल्स के आपने दो दो पॉइंट छोड़ने होते हैं, यहाँ पे एक दिया गया, हम दो दो छोड़ते हैं, एक पॉइंट आपका इस तरफ आएगा, एक पॉइंट आपका इस तरफ आएगा। इसी तरह इसके बिल्कुल सीध में आपने ऊपर 7 फुट में या 7.5 में इवन 8 फुट तक आप लेके जा सकते हैं। 7 फुट बेहतरीन डायमेंशन है या मेयरमेंट है। यहाँ पे आपने छोड़ा, आप इस तरह की एक फैंसी वॉल हैंगिंग लाइट लगा सकते हैं, या फिर जब इन फ्यूचर हम जब फिनिशिंग डीप डिटेल अटेंशन टू डिटेल में जब हम उसकी सारी डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें जब बेड वॉल हम बनाते हैं उसके अंदर कभी कभार डिजाइनिंग में लाइटनिंग की जरूरत पड़ती है तो हम इससे कनेक्शन ले लेते हैं। सेम इस तरह भी आ गया। फिर एसी का जो मेन इशू हम देखते हैं बेडरूम के अंदर, ये एसी लोकेशन है, वो डब्ल्यूपीसी लग गई है इसलिए इसकी वजह से आपको नहीं नजर आ रहा, लेकिन उसका पॉइंट यहाँ पे छोड़ दिया गया, स्विच उसके यहाँ पे और नीचे ही होना चाहिए। ज्यादातर हम देखते हैं कि एसी के जो पॉइंट्स होते हैं लोगों ने यहाँ पे छोड़े होते हैं, वो तार खुली जा रही होती है, बंद करने के लिए ऑन करने के लिए आपको चढ़ना पड़ता है, वट एवर, ये छोटी छोटी चीजें हैं। वॉशरूम के ऊपर नहीं बना रहा, उसकी अलग सी वीडियो बन चुकी है। आपके बेड के बिल्कुल सामने आपका होता है मीडिया वॉल, तो मीडिया वॉल के लिए आपके पास दो दो इस तरह के पॉइंट्स, हम तो इवन 4 पॉइंट छोड़ते हैं या बड़े बड़े 2 पॉइंट छोड़ देते हैं। इसी तरह आपके पास केबल के लिए भी, एलईडी के लिए, टीवी के लिए, उस पर्पज के लिए भी आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब ये आप कह रहे हो कि ये हमारे हिसाब से भी बहुत ऊपर लगा हुआ है, इसको हम हार्डली 3 फुट पे या तकरीबन 32 इंच पे लगा लेते हैं, ठीक हो गया, मैक्सिमम 40 इंच तक लेके जाते हैं, लेकिन इसका मसला नहीं है। जब मीडिया वॉल पूरी डिजाइन हो रही होती है तो हम इससे कनेक्शन बाहर निकाल के यही लाइट प्लग्स वहाँ पे लग जाती हैं हमारी। इसी तरह जब ये आपका रूम हम एंटर होते हैं, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट वार्डरोब के ऊपर बात करूंगा, वार्डरोब के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी कि वार्डरोब में 2-3 किस्में होती हैं, एक इस तरह बाहर आप बना लेते हैं, एक बिल्ट इन होती है, बिल्ट इन वो के स्ट्रक्चर में ही आपने दीवार के अंदर उसके लिए 22-23 इंच डेप्थ के अंदर जगह छोड़ी होती है, वो अंदर आ जाती है, फिक्स हो जाती है। एक हमारे पास वॉकिंग क्लोजेट, लेकिन वो इसमें नहीं चूंकि डायरेक्ट वॉशरूम है, तो यहाँ पर भी जब हम ये वार्डरोब बनाते हैं तो इसके अंदर हमने कुछ ना कुछ पॉइंट्स छोड़े होते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से नहीं छोड़े तो मसला नहीं होता, हम इसी से अंदर अर्थिंग दे देते हैं, पॉइंट्स अंदर हम दे देते हैं। ये ज़रूरी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं जो कि आपके रूम्स के अंदर होने चाहिए। बहुत से लोकल एरियाज में या कुछ जगह हमने ऐसे भी देखा कि बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत हाइट के ऊपर पॉइंट्स छोड़े गए होते हैं, वो भी नहीं परफेक्ट होता। हमसे रब्ता कीजिएगा, हमारी सर्विस पख्तूनख्वा पंजाब के अंदर है, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।